मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगे बोले, मैं तो बोला हूँ ये बात। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को कर्नाटक में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पद से एक अहम बयान दिया, मेरी इच्छा है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली लड़की देश की प्रधानमंत्री बने, ओवैसी ने कहा। उनके बयान पर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है। एक तरफ देखा गया कि देश में हिजाब पहनने को लेकर काफी विवाद हुआ था। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने यह बयान कर्नाटक के उस राज्य में दिया है जहां से यह विवाद शुरू हुआ था। ओवैसी से पत्रकारों ने भारतीय मूल के ऋषि सनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बारे में सवाल किया था। इस पर ओवैसी ने कहा कि मैं एक लड़की को हिजाब पहने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेगी बोले, मैं तो बोला हूं ये बात। इस दौरान ओवैसी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कड़े शब्दों में आलोचना की। इस बीच ओवैसी के बयान पर अब बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। बीजेपी के शहजाद पुनावाला ने ओवैसी से पलटवार किया है। उन्होंने पूछा कि हम एमआईएम अध्यक्ष के रूप में हिजाब पहने एक लड़की को भारत के प्रधानमंत्री का पद कब देखेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ओवैसी को इसकी शुरुआत अपनी ही पार्टी से करनी चाहिए। कर्नाटक में हिजाब विवाद फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। दो जजों की राय अलग अलग होने के कारण अब हिजाब विवाद की सुनवाई सिंगल बेंच के सामने होगी। इससे पहले हिजाब विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेगी बोले, मैं तो बोला हूँ ये बात।